अच्छा अभी है महागंधा। मेरे हाथ में इस वक्त महानंदा एक्शन प्लान की एक रिपोर्ट है। ये तो नेचर का ही है, नेचर में जो हाथ लगाएगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। रोज जाम ऐसी लगा रहता है, रोज प्रतिदिन एम्बुलेंस भी इसमें बीच में फंसी हुई है, जाम पूरा लगा हुआ है और इन मरीज भी इसमें इस एम्बुलेंस में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर में। सिलीगुड़ी शहर दार्जिलिंग ज़िले में आता है, यहां 3 विधानसभा सीटें हैं और सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। सिलीगुड़ी हिंदी भाषी लोगों के लिए फेवरेट जगह है, काफ़ी संख्या में हिंदी भाषी लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा यहाँ महानंदा नदी शहर से गुजरती है जो कि इस शहर की सबसे बड़ी पहचान है। तो आज इस सिलीगुड़ी से हम आपको बंगाल चले हम में ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। सिलीगुड़ी में ये महानंदा नदी है जो कि इस शहर की लाइफलाइन कहलाती है। लगभग 376 किलोमीटर लंबी यह नदी है, लेकिन सिलीगुड़ी शहर में लगभग 15 किलोमीटर का जो ये पैच पड़ता है बिना गुड़ी से सिलीगुड़ी, इस पूरे इलाके में महानंदा नदी प्रदूषित हो चुकी है। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि यह नदी नहीं नाले जैसी यहाँ सिलीगुड़ी में आकर लगती है। आप तस्वीरें देखिए, गंदगी का अंबार है, आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये महानंदा नदी है। ऐसा लगेगा कि कोई नाला इस शहर से गुजर रहा है। पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, पानी का रंग काला पड़ चुका है। यहाँ पर आप जब ये तस्वीर देखेंगे, इस तस्वीर को देखकर आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिरकार महानंदा नदी के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। महानंदा नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण शहर के नाले हैं। लगभग 154 नाले इस महानंदा नदी में सिलीगुड़ी में मिलते हैं। यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उन लोगों से बात करेंगे। पंडित जी हैं, मंदिर के ही एक पुजारी हैं महानंदा नदी के किनारे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अक्षय चक्रवर्ती है। अक्षय चक्रवर्ती जी, आप कितने साल से महानंदा नदी के किनारे हैं? हम तो ये महानंदा काली मंदिर आज तक 30 साल से हम पंडित ही करता है। 30 साल से। पहले नदी कैसी थी और अब कैसी है? पहले तो हम रोज नदी में नहा के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। नदी हम लोग मार जाए दिखता है ना, कहीं पर था हम नदी में नहा के मंदिर में पूजा पाठ करते थे। और अब अभी पानी में जाएगा तो शरीर में खुजली हो जाएगा। पूरे शहर का पानी नाले का सीवर के एक नाली आप देखा है? 154 नाले हैं। एक नाली तो देखा है। अब तो महानंदा नदी जैसा कुछ दिखे। महानंदा पहले था, अभी है महागंधा। देखिए, इन्होंने एक बहुत चक्रवर्ती साहब ने एक बात और हमें बताई, पहले महानंदा नदी का जो फैलाव था वो इन दीवारों तक था, इसके और भी आगे तक था, लेकिन अब आपको यहाँ पर पूरा खाली मैदान दिख रहा है। नदी सिकुड़ती जा रही है, नदी का जो पानी का एरिया है वो लगातार कम होता जा रहा है और ये पूरे इस इलाके में पानी हुआ करता था। तो कैसे क्या हो गया, कैसे महानंदा नदी महागंधा नदी में बदलती हुई दिखाई दे रही है, हम यहाँ से चलते हैं कुछ और लोगों से बात करते हैं। इधर आइए भैया, क्या नाम है आपका? जी संदीप मजूमदार। संदीप मजूमदार, आप सिलीगुड़ी के रहने वाले हैं? जी जी जी। ये क्या तस्वीर है, सिलीगुड़ी के लोगों का क्या कहना है महानंदा नदी के बारे में? चारों तरफ अवैध कब्जा, भैंस, जी जी जी, यहाँ तवेला बना के रख दिया, फिर यहाँ पे भैंस को नला रहा है, गाय को नला रहा है, फिर यहाँ पे अवैध घर सब मकान दिन ब दिन ये नदी पर आते जा रहे हैं और पूरा सिलीगुड़ी का पूरा कचरा यहाँ पे आ रहा है, पूरा कचरा। ये फिर आपका मिठाई का दुकान का हो या नर्सिंग होम का हो या कुछ और मोहल्ला का गंदगी पूरा सब आके यहाँ पे मिल रहा है। सिलीगुड़ी में महानंदा नदी को स्वच्छ रखने के लिए एक महा एक्शन प्लान बनाया गया था लेफ्ट की सरकार में। महानंदा नदी में बहुत पानी गुजर चुका तब से लेकर अब तक। रिपोर्ट जरूर तैयार कर ली गई, कैसे साफ करना है, लंबी लंबी मीटिंग्स कर ली गई इसी कमरों में बैठकर, और एक रिपोर्ट मेरे हाथ में है जिसे वेस्ट बंगाल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 12 फरवरी 2019 को एनजीटी के समक्ष पेश किया था और उसमें यह बताया गया है कि
नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण जो नाले हैं, और इसमें कहा गया है कि महानंदा नदी को साफ करने के लिए नालों को बंद किया जाएगा, लेकिन ये नाले बंद तो हुए नहीं। महानंदा एक्शन प्लान में इसका जिक्र किया गया है। जोरा पानी रिवर एट फुलवाड़ी एंड फुलेश्वरी कैनाल नियर एनजेपी रोड कैरीज द म्युनिसिपल सीवेज ऑफ एसोसिएटेड म्युनिसिपल वार्ड्स, यानी कि जो नगर निगम का सीवेज है, सीवर का पानी है, वो भी महानंदा नदी में आता है। आप देखिए, सिर्फ पब्लिक का ही दोष नहीं है, सरकार का भी इसमें सबसे बड़ा दोष है। इस रिपोर्ट को एक बार कम से कम नेताओं को चुनाव से पहले जरूर पढ़ लेना चाहिए, ताकि वो याद रख सके कि महानंदा नदी को भी बचाना है। इस चुनावी शोरगुल में महानंदा नदी की जो ये दर्द है, ये छिप ना जाए, यही हमारी कोशिश है। इसलिए आपको महानंदा नदी के किनारे लेकर आए। महानंदा नदी के किनारे ये कुछ लोग हैं जो कि महानंदा बचाओ समिति से जुड़े हुए। नमस्कार। आप लोग बचा ले जाएंगे महानंदा नदी? कोशिश तो जारी है, जब तक जीऊंगा तो लड़ाई तो करनी ही है। क्या नाम है आपका? दीप ज्योति चक्रवर्ती। आपका क्या नाम है मैडम? दोस्त अग्रवाल। दीप ज्योति साहब, ये जो तस्वीरें मैं इस वक्त देख रहा हूँ, थोड़ा आप लोग इस तरफ आइए, ये क्या है? सबसे पहले आप देखिए, नदी में खनन चल रहा है, बालू निकाला जा रहा है। अरे ये तो अभी जो खनन हो रहा है, इसका बालू उठा के उन लोग घर बना रहा है, ये तो जबरदस्ती हो रहा है सबका सामना में। अरे ये तो टाउन के एकदम बीच में है ये, और यहाँ से तो नदी तो नहीं है, चोरी हो रहा है। चोरी क्या, ये तो डकैती हो रहा है, यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। सरकार इस पर क्या करती है? कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ पे पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं होगा किसी का। आज मान लीजिए मेरी हिम्मत है कि मैं एक ठू भी ईटा लगा सकती हूँ, मेरे पीछे कोई नेता नहीं होगा, तो कोई भी पार्टी का हो, नेता की कोई ना कोई मदद रहती है। वोट की पॉलिटिक्स है, नदी को ख़त्म किया, और हम लोग जानते हैं एक नदी होती है वो शहर का हार्ट। हम नाम में पहाड़ है, यहाँ पर हड़का जो बांध होती है, ये तो नेचर का ही है। नेचर में जो हाथ लगाएगा उसको तो भोगना पड़ेगा ही। प्रकृति के साथ खिलवाड़ है। हाँ, खिलवाड़ है ये तो। अरे ये तो चोरी हो गया, मैंने पूरा नदी एकदम डकैती करके लेके चला गया। इसमें अगर नेता लोग को सपोर्ट नहीं रहेगा तो ये तो हो ही नहीं सकता। देखिए, भारत की पहली ऐसी घटना जहाँ नदी चोरी हो जा रही है। नदी चोरी होने का मतलब आप सीधे तस्वीरों में देख लीजिए, ज्यादा समझाने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जब नदी बची नहीं रही है, उसकी जमीन पर कब्जा होता जा रहा है, तो नदी के साथ ये चोरी ही हो रही है। नदी चुरा लिया जा रहा है सिलीगुड़ी में। तो क्या चुनाव में, घोषणा पत्रों में, नेताओं के लिए, राजनीतिक दलों के लिए महानंदा नदी को बचाने का मुद्दा शामिल होगा? ये बड़ा सवाल है, और यहाँ के लोग भी यही सवाल उठा रहे हैं। चलते हैं आगे कुछ और इलाकों में सिलीगुड़ी के। सिलीगुड़ी के हम हिलकाट रोड पर हैं, और यहाँ चाय की दुकान पर पहुँचे हैं, कुछ लोगों से बातचीत करते हैं, चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। नमस्कार। क्या नाम है आपका? किरण सिंगल। किरण सिंगल जी, कैसा कामकाज रहा सरकार का, ममता दीदी का, 5 साल का? ममता दीदी का तो कुछ नहीं है काम, कुछ नहीं है। क्यों? ममता दीदी खाली क्या बोले, मुस्लिम को लेके पड़ी है, हिंदू का तो कुछ करती नहीं हुआ। तो इस बार आप लोग क्या करने वाले हैं? हम लोग तो बीजेपी है। अच्छा, बीजेपी। चलिए, देखिए ये अपनी बात रख रहे हैं। आपका क्या नाम है? जगदीश राय। है? जगदीश राय। जगदीश राय साहब, क्या है सिलीगुड़ी का मुद्दा सबसे बड़ा? ये जानजट का मुद्दा है सबसे बड़ा। किसका? जानजट का। जानजट मतलब जाम? जाम। जाम ये चलता है सिलीगुड़ी में। और दीदी मोदी कौन है आपकी पसंद इस बार? यह मोदी है। मोदी? मोदी। आप लोग के मुद्दे क्या है? हम लोग तो ममता को देते हैं। ममता? चलिए, देखिए ये लोग ममता दीदी के साथ खड़े हैं, कुछ लोग और यहाँ पर आए हैं, सिलीगुड़ी में चाय की चुस्कियों के साथ आगे बढ़ेंगे। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। इंडियन आर्मी की टोपी है आपके पास? दादा क्या नाम है आपका? ठीक है सरकार, पूर्णिमा सरकार। सरकार साहब, किसकी सरकार बनेगी बंगाल में? हम लोग तो पहले से ममता को वोट देता है तृणमूल, अभी का हवा अलग लगता है। अलग लगता है कैसे? नरेंद्र मोदी का हवा ज्यादा अच्छा लगता है। दीदी ने 10 साल में क्या किया सिलीगुड़ी के लिए? ये रास्ता घाट किया, लाइट किया, पब्लिक के जनगण के लिए इतना कुछ नहीं किया, बड़े गरीब के लिए कुछ नहीं किया। आपके शहर का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? ट्रैफिक जाम होता है, वही थोड़ा प्रॉब्लम है,
तो इस बार सिलीगुड़ी की पसंद कौन है, दीदी या मोदी? दीदी का तो यहाँ पे खाता नहीं खुला था पिछली बार 2016 के चुनाव में, लेफ्ट और कांग्रेस हावी थे। अभी तो मोदी का आवाज ज्यादा चल रहा है। हाँ। इधर में सबका मन में मोदी। आप लोग के मुद्दे क्या है, युवा क्या चाहता है यहाँ का? बेरोजगार नहीं हो, नौकरी है आपके पास? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। हाँ। कौन है आप लोगों की पसंद इस बार चुनाव में? हम लोगों का तो बीजेपी है। नमस्कार दादा। हाँ, नमस्कार। तैयार हो गए सुबह सुबह आप? एकदम तैयार, काम तो करना है ना। क्या नाम है आपका? तरुण कांति घोष। घोष, आप क्या करते हैं आप? हाँ, मैं मार्केटिंग मैनेजर हूँ। मार्केटिंग मैनेजर है? हाँ, कोई कंपनी का। अच्छा, कोई कंपनी का। हाँ। तो मार्केटिंग किसकी हो रही है चुनाव में इस बार? चुनाव का बात है, अभी वोट एक पोलराइज होने मांग रहा है, लेकिन पोलराइज वैसा उतना होगा नहीं। तो हम लोग बंगाल में किसका कौन चीज का कमी है, सब कुछ तो है हम लोग का। शास्त्र साथी है, कन्याश्री मिल रहा है, मेरा बेटे का खास करके कन्याश्री मिला है, रूपश्री भी मिलेगा, लेकिन रूपश्री हम लोग देगा। एक चीज मुझे बताइए, टीएमसी के जो समर्थक होते हैं उनसे जब मैं कोई चीज पूछता हूँ तो मुझे वो तीन योजना ही गिनाते हैं, कन्याश्री, रूपश्री, सब। और बताइए, तीन के आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? एकदम बहुत बढ़ाइए। देखिए, हम लोग को स्वास्थ्य साथी भी आ गया। स्वास्थ्य साथी। अच्छा, नौकरी का बात बोलिएगा। हाँ, नौकरी सबसे बड़ी बात है। नौकरी, काम का बात ऐसा हो गया, जो पीएससी और जो परीक्षा हुआ था वो क्वेश्चन निकल गया, कोर्ट में केस हुआ, केस करके उसको इंजंक्शन जारी कर दिया, उसको तो नौकरी दे। लेकिन मैं बंगाल में 18 जनवरी से घूम रहा हूँ। हाँ, घूमिए। और जितने लोगों से मैंने बात की है, बहुत ईमानदारी से मैं आपको बताना चाहूंगा, नौकरी उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है, नौकरी यहाँ पर नहीं है। देखिए, बिहार में क्या नौकरी हो गया? बिहार में बेरोजगारी नहीं है, यूपी में बेरोजगारी नहीं है। हाँ, ठीक है, है बिल्कुल है, हर जगह में बेरोजगारी है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी बनी रहेगी? बनी रहेगी नहीं, ये बनाया गया है जो वामपंथ था चौधरी से। तो दीदी, अरे भाई, दीदी का सरकार होने से क्या हो जाएगा? दीदी का सरकार होने से जितना जो हुआ है, कर्म संस्थान हुआ, नौकरी नहीं मिला, लेकिन नौकरी का कोशिश जारी है, रोजगार ले आने का जारी है। देखिए, सिलीगुड़ी के अलग अलग इलाकों में हम लगातार जा रहे हैं। ये हिलकाट रोड है यहाँ का, और हिलकाट रोड पर आप यहाँ एक लंबा ट्रैफिक देख सकते हैं। सिलीगुड़ी शहर की सबसे बड़ी समस्या यहाँ का ट्रैफिक जैम है, और